नमस्कार, मी तो अनमी पूजा बोलकर लोकमत सीएनएक्स फिल्म मध्ये तुमचं सबंद स्वागत आहे. सो आपल्या बरोबर आज बेबी डॉल म्हणा किंवा एक छानशी सुंदरशी कनिका कपूर बॉलिवूडची सिंगर आज आपल्या बरोबर आहे. बहुत बहुत स्वागत आहे कनिका आपका. एक हाय, येस हॅलो, हाव आर यू? आई एम रियली वेल. आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास. कैसा रहा पूरा ये लॉकडाउन का सफर आपका? काफी एक्साइटिंग रहा और बहुत ज्यादा म्यूजिक हाँ बनाया और खूब खाना खूब खाना पीना गाना सब कुछ हुआ. फैमिली टाइम बहुत सारा. सो दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग एंड अच्छा रहा एक्चुअली. एक एज एन आर्टिस्ट आई फील ये एक ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट था हम सबके लिए, क्योंकि हम सब भाग रहे थे. पता नहीं कहाँ भाग रहे थे, बट भाग रहे थे. एंड इस साल ने हम सबको बहुत सी चीजें सिखाई. सो आई थिंक वी विल बी बेटर पीपल एंड अपनी जिंदगी एक और एक डिफरेंट तरीके से जिएंगे अब. डेफिनेटली. तो मेरे ख्याल से 2020 ने सबको एक फैमिली का एहसास करके दिया, ऐसा बोलना गलत नहीं रहेगा. एब्सोल्युटली. मतलब मैंने इतना समय अपनी फैमिली के साथ पिछले 18 साल में नहीं बिताया. अच्छा, सो आई थिंक इट वॉज वेरी स्पेशल. मुझे एक मोमेंट, ऐसी एक यादगार पल जो आप 2020 का, जो 2021 में या हमेशा जिंदगी भर रखना चाहोगे, ऐसा कौन सा पल था 2020 का? ऐसे एक्चुअली एक पल तो नहीं, बहुत से पल थे. जो सबसे स्पेशल चीज ये थी कि मैं रोज शाम को अपनी दादी, जो मेरी 92 ईयर्स की हैं लखनऊ में, उनके साथ बैठकर चाय और बिस्किट और हलवा खाती थी रोज शाम को 5 बजे बालकनी पे बैठकर, जो मैं छोटे में करती थी. तो वो जो है, जब मैं 3 महीना उनके पास रही लखनऊ में इस साल, तो वो मुझे करने को मिला. एंड आई थिंक वो प्राइसलेस था. इतने साल के बाद उनके साथ रहने को मिला और वही चीजें जो हम छोटे में करते थे वो अब फिर से रोज शाम को हम बैठ के उनसे बात करते. तो अब इतना अटैचमेंट हो गया फिर से कि मैं लंदन में हूँ तो हम शाम को, जब इंडिया में 5 बजते हैं जनरली, तो वो मुझे फोन करती है और जहाँ भी होती है वो फेस टाइम पे हमारे साथ चाय पीती है. सो इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अच्छा, और वो कनिका, सेम क्वेश्चन, सारे सब कुछ सेम. इट वाज वेरी स्वीट. क्या बात है. वो एक बचपन का पल आपने दोबारा जिया, ऐसा बोलना गलत नहीं रहेगा, राइट? एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक बहुत जरूरी था. राइट नाउ आप लंदन में हो, सही? जी, मैं इस समय लंदन में हूँ. लंदन की सिचुएशन फिलहाल थोड़ी सी डेंजरस है, तो क्या कहना पसंद करोगी? मैंने यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछा है. उन्होंने कहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके चलना है, जैसे हम सब घर में हैं, और ये भी पास हो जाएगा, बहुत जल्द पास हो जाएगा. अब वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं, सो आई एम श्योर दैट थिंग्स विल गेट बेटर सून. यस, बिकॉज अगेन लॉकडाउन इन लंदन. तो ये जब आपने सुना तब आपका एक्सप्रेशन क्या थे? क्योंकि लॉकडाउन से थोड़ा बाहर नॉट निकल अगेन, के नॉट अगेन, नॉट अगेन. बट एक्चुअली यहाँ पर लाइफ बहुत, पॉपुलेशन कम है, सो लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. एंड आई थिंक थिंग्स आर ओके. हम बाहर वॉक करने जा सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स ओके. इट्स फैमिली टाइम, इट्स क्रिसमस, एंड लोग घर पे हैं, साथ में हैं, एक दूसरे से ज्यादा लोग फ्रेंड्स मिल नहीं सकते, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. एंड आई थिंक थोड़े दिन की बात है, ये ठीक हो जाएगा. यस, और योर एंडिंग है, मेरे ख्याल से फैमिली को टाइम देना फिलहाल जरूरी है. बहुत जरूरी. यस कनिका, आपका फिलहाल गाना आया है, तो मेरे ख्याल से गाने के बारे में आप ही दर्शकों को बताएं कि क्या है एग्जैक्टली ये गाना और किस तरह से धूम मचाने वाली है कनिका योर एंडिंग में. Well, मैंने सोचा कि एक साल हो गया कोई गाना नहीं निकाला, एंड ये गाना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरी मेरी लाइफ के लिए. बिकॉज ये गाना मुझे लगता है कि इसका मतलब
जो है जुगनी, मतलब द सोल ऑफ गॉड, एंड इन द एंड आपके और भगवान के बीच में ही है सब कुछ. सो इसका जो पूरा मीनिंग है वो बहुत ही स्पेशल है. सो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा समय इस गाने को निकालें और साल इस तरीके से एंड करें. सो आई होप आप सब लोग को बहुत पसंद आएगा ये गाना, और इसको आप जो घर में हैं, जो बाहर जा रहे हैं, आप जरूर सुने एंड इस गाने को सपोर्ट दें. एंड आई होप यू लाइक इट. बट अगला साल बहुत बड़ा है हमारे लिए, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं जो हमने इस साल बैठ के बनाए. और दैट्स इट. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आप सब लोग जो हमें हमारे म्यूजिक को सपोर्ट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. यस कनिका, 2020 के लिए, अगर ये 2020 सब लोग के लिए, किसी को अच्छा गया, किसी को थोड़ा बुरा गया, किसी के घर पे कोई छोड़ के चला गया, या किसी के घर पे कोई नया नन्ना सा मेहमान आ गया है, तो ये पूरे 2020 को आप एक गाने के जरिए किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे, पसंद करोगे? अगर एक गाना कोई डेडिकेट करना होगा 2020 को, तो कौन सा रहेगा वो? Oh my God, that's a difficult one actually. Oh God, that Rajesh Khanna song, Kishore Da ne jo gaya tha. You know, literally, I wish aapne mujhe pehle bataya hota ki bahut hi acha gana hai mere paas. जो मैं कौन सा राजेश खन्ना वाला, विच वन? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट्स अ टफ क्वेश्चन. आपको और दीजिएगा क्वेश्चन. या कोई कोई रीसेंट का गाना, चलो राजेश खन्ना तो लाइक अभी रीसेंट का कोई गाना आप गुनगुना पसंद करोगी, तो कौन सा रहेगा? Well, recent का गाना तो मैं सिर्फ एक कनिका कपूर है उनका गाना गाना चाहूंगी. Yes. जुगनी जी, and बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है इस गाने का, और जो आज की तारीख में बहुत रेजोनेट करता है कि आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है, दुख होता है, लेकिन आप अंत में भगवान को ही याद करते हैं, इसलिए आप अपने आप को भगवान में निछावर कर दीजिए. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ माई सॉन्ग, एंड आई होप दुनिया के जंजाल से निकलिए, सब कुछ छोड़कर आप खुश रहिए और मस्त रहिए और खुशियां बांटिए. ये इस गाने का ये मतलब है. सो आई थिंक इससे अच्छा गाना और नहीं हो सकता. चुगनी तार खाई विच थाल, छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नी निभना बंदिया हनाल, रखी साबत सिद्ध दा अमहाल, वह पीर मेरे आ जुगनी जी, ए रे अलावा ले आ दी जुगनी जी, ए दी नवी पीर दी जुगनी जी. That's a song, and I hope that आप सब जाके इस गाने को सुने और लाइक करें एंड सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच कनिका, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट. मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू. हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. थैंक यू सो मच. होपफुली जल्द से जल्द आप मराठी सीखोगी और मराठी में एक गाना पेश करना चाहोगी या नहीं, पसंद करोगी या नहीं? चलिए 100% आई लव टू. अगर मुझे कोई भी बुलाए, जो सुन रहा है इसको, अगर मुझे बुलाए तो मैं कुछ भी सीख सकती हूँ. सो मराठीचा दोन ओळी सध्या बोलूया. हाँ, दो 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 लाइन्स मराठी के बोलते है, ठीक है? मेरे पीछे पीछे आप बोल देना. यस, लोकमतचा सगळ्या प्रेक्षकांना, सगळ्या प्रेक्षकांना नवीन वर्षाचा आणि नाताळचा खूप खूप शुभेच्छा. वाव, सो स्वीट. थँक यू सो मच कनिका. यस, जल्द से जल्द हम चाहते हैं आप मराठी में एक अच्छा सा गाना पेश करें. अच्छा ठीक है, चलिए, ये मेरा प्रॉमिस रहा. Yes, thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Yeah, thank you.